मेरा नाम सदफ आलम है, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। मेरी स्कूलिंग वनस्थली विद्यापीठ से हुई है, मेरा ग्रेजुएशन बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमिटी यूनिवर्सिटी से हुआ है। मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे से छोटा एक मेरा भाई है और मेरे चाचा हैं। सो सदफ, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको दोबारा 64th में तो आपकी रिजल्ट आई थी और फिर दोबारा आपने क्यों सोचा कि आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए और भी अच्छे रैंक लाने के लिए? हाँ, 64th सर मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो उसमें मुझे बस ये था कि बस सर्विस में जाए। अच्छा। सिस्टम में एंट्री हो जाए मेरी। अच्छा। हाँ। पोस्ट कोई भी मिले, क्योंकि फर्स्ट टाइम था पेपर वन, मेरा नर्वसनेस बहुत ज्यादा हो गया था मेरा पेपर वन में, तो इस वजह से मेरा पेपर वन का जो डीआई पोर्शन है वो मैं बहुत ज्यादा गलत करके आई। अच्छा। और इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए, तो मुझे लग रहा था कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो एक था कि सिलेक्शन हो जाएगा तो मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। फिर सर 65th में, फिर उसके बाद सर 65th में सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा। इस बार जो जो चीज मेरा लैक रह गया था 64th में, उन सबको मैं इम्प्रूव की, रेक्टिफाई की, एनालाइज करने के बाद मैं 110% अपना मेंस में दी। और मुझे लग रहा था कि इस बार मुझे अच्छा पोस्ट मिलेगा। ओके। और सर मैं उसके साथ साथ 66th का भी मेंस मैं देने वाली थी। अच्छा। हालांकि मेरे मेंस और इंटरव्यू में एक दिन का गैप था, तो इस वजह से मैं उसको ड्रॉप कर दी। मैंने बोला कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, 65th में ही अपना 100% देते हैं। फिर उसका इंटरव्यू दी और बाय द गॉड ग्रेस मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 65th में ही मिल गया। बहुत बढ़िया। एसडीएम इस पोजीशन, इस कैडर के लिए काफी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे सदफ? यस सर, मेरा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी था और मेरा मीडियम इंग्लिश। मीडियम इंग्लिश था, बहुत बढ़िया। सो आपको 64th में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई? आपने जैसा कहा कि आपने एनालाइज किया अपने मिस्टेक्स, आपने जहाँ जहाँ पे आपसे गलतियां हुई थी, तो वहाँ कौन कौन सा पोर्शन था, कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यहाँ पे सुधार किया जा सकता है और उस पर आपने काम किया और आपने रिजल्ट को बेहतर बनाया? यस सर, जीएस पेपर वन की बात की जाए, मेरा सारा फोकस मेंस पे था कि अगर मेंस इंप्रूव हो जाएगा तो फिर सारा काम हो जाएगा, फिर मेरा लिस्ट में भी नाम होगा और अच्छे पोस्ट पे भी मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैंने पीटी पे तो ध्यान दिया ही कि पीटी क्लियर नहीं होगा तो मेंस तक नहीं जाऊंगी, बट सर मेंस पे मैंने इस बार बहुत ज्यादा वर्क किया, जैसे कि पेपर वन में स्टैटिक्स और डीआई है, स्टैटिस्टिक और डाटा इंटरप्रिटेशन, उस पे मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया इस बार 65th में। उसके बाद सर पेपर वन में ही एक सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर का आता है, उस पे भी मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया। उसके बाद सर ऑप्शनल में जो जो चीजें, जो जो पार्ट मेरा 64th में रह गया था, उन सबको कम्प्लीट किया। तो इन सारी चीजों पर मैं वर्क की और अल्टीमेटली मेरा वर्क सक्सेसफुल रहा सर। So, एक चीज आपने डेटा इंटरप्रिटेशन बताया था, तो वो क्या चीज है? एक एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर किस किस का पार्ट होता है ये? जीएस का पार्ट होता है या फिर क्या है वो बीपीएससी में? सर ये जीएस पेपर वन में थर्ड सेक्शन, सेक्शन सी होता है, जिसमें कि दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं चार क्वेश्चन में। अच्छा। और इसमें सर लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और मिक्स ग्राफ, बार ग्राफ, इन सारे चीज, चार क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से रहते हैं, तो उसमें से आपको दो अटेम्प्ट करना रहता है। तो 64th में सर मैं अच्छा नहीं कर पाई थी। अच्छा, इसलिए अच्छा। मैंने उन सब चीजों पे वर्क किया। उस पे वर्क किया आपने। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो नॉन इंजीनियर हैं और हिंदी लैंग्वेज से, उनको तो दिक्कत होती होगी क्या? क्योंकि मुझे लगता है बिहार में मैथ्स वगैरह स्टूडेंट काफी अच्छे होते हैं, तो इस पोर्शन पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है किसी स्टूडेंट को? यस सर, प्रॉब्लम अगर मैथ्स नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात नहीं है, बात ये हो जाती है सर टाइम मैनेजमेंट की। अच्छा। जो कि मेरे साथ हुआ सर, मेरा मैथ्स था बैकग्राउंड, बीटेक हुआ। अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगी, कॉन्फिडेंट थी कि मैं, मेरे से हो जाएगा, बट सर टाइम मैनेज नहीं हो पाया एग्जाम में। और उस 3 घंटे में मैं 1.5-2 घंटे में मैथ्स को ही सॉल्व करते रह गई, तो बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं बचा।
बिल्कुल, और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व की मैं उसमें फंस गई, मींस मेरा अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आया, सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। तो इस वजह से ये है कि प्रैक्टिस पहले से रहे तो हम एग्जाम में बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे और प्लस बेटर हमारा रिजल्ट होगा। ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनको इस चीज से सीखना चाहिए। जैसा कि आपने बताया सदफ की मेंस पर ज्यादा आपने फोकस किया, मेंस को ज्यादा फोकस किया, तो मेंस पे आपकी अप्रोच कैसे थी, किस तरह की तैयारी आपने की मेंस पे जो कि आपके रिजल्ट इतनी अच्छी हो गई? मेंस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एस्पिरेंट्स को? यस सर, मेंस में सर सबसे पहले सिलेबस क्या है, पेपर वन, पेपर टू और जीएस का, ऑप्शनल का सॉरी, इन तीनों का सिलेबस हम डीपली एनालाइज करेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे कि किन किन टॉपिक से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं और हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे सर करंट अफेयर और आईयर का सेक्शन है, उसमें सर पहले करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन रहते थे, अब आईयर से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, आईयर से ज्यादा। तो ये सारा चीज है। हाँ, फिर आप क्वेश्चंस को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मीन्स सर की प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए करंट से हम कैसे उसको रिलेट कर पा रहे हैं, इन सब सारी चीजों का ध्यान रखना है। पॉलिटी में जैसे करंट कोई भी जजमेंट आ रहा है, कोई भी केस चल रहा है, बहुत ज्यादा उस समय चल रहा था सर प्रशांत भूषण जी का केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला, तो ये सारी चीजों को एनालाइज हम करेंगे तभी जाके मेंस हमारा अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ज्योग्राफी ही क्यों लिया, मतलब सदफ गर्ल्स स्टूडेंट की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो गर्ल्स ज्यादातर सोशियोलॉजी लेती है और MSW भी है शायद आपके, सर मेरी मम्मी पोस्ट ग्रेजुएट हैं ज्योग्राफी में और काफी दिन वो लेक्चरर भी रही हैं, तो बचपन से ही उनका एक था मैप कैसे बनता है, इंडिया के मैप में सेवन सिस्टर्स कौन कौन से सर, ये सब 1-2 क्लास में ही उन्होंने मतलब मुझे बताया था, तो एक होता है ना बचपन से मुझे इंटरेस्ट था। अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इवन आप इंजीनियर थे लेकिन आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में आए, तो चूंकि शुरू से ही बैकग्राउंड था तो दिक्कत नहीं हुई आपको, राइट? हाँ, यस सर, ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सदफ आपको ये कब लगा कि आपको बीपीएससी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी चाहिए और क्यों लगा? सर हाँ सर, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी तैयारी यूपीएससी के लिए ही थी। अच्छा। बट सर मेरी मम्मी को पैरालिटिक अटैक आ गया, तो उसके बाद से मैं घर आ गई, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब बीपीएससी ही देना है और अच्छा। इससे ही सर्विस लेनी है सबसे पहले, तो उसके बाद से सर मतलब 2018 में मैंने 64th का फॉर्म फिल किया और इसका पीटी हो गया, फिर मैंने मेंस दिया, ऐसे ही करते करते 64th क्लियर हो गया, फिर साथ साथ सर 65th भी चलते रहा, 66th भी चलते रहा, तो ऐसे ही सर ग्रेजुएशन के बाद सर मैं जॉब भी कर सकती थी, लेकिन घर, हाँ मैं कुछ दिन घर आई तो मम्मी की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। और हाँ सर, मैं बड़ी बेटी हूँ घर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी मेरे ही कंधे पे है और मुझे इसको अच्छे से निभाना चाहिए। अच्छा, और इस वजह से सर मैं चाहती थी कि बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो जाए ताकि मैं घर के ही आसपास रहूंगी, क्योंकि सर होम कैडर तो मिलता नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, तो आसपास रहकर ही मतलब अपने पेरेंट्स के सपोर्ट सिस्टम रहूं मैं। अच्छा, ठीक है, हाँ नहीं, ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो ऑप्शनल पेपर थे ज्योग्राफी, तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट एस्पिरेंट्स है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट कर सकती हैं कि मटेरियल जो बुक्स होते हैं, नोट्स होते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो उसके बारे में सजेस्ट कीजिए कि कौन कौन से बुक रेफर करनी चाहिए ज्योग्राफी के लिए? वो एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ें बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर उनको ऑप्शनल ज्योग्राफी लेना है 6-12 एनसीईआरटी मस्ट है सर। हाँ, उसके बाद सर फिजिकल ज्योग्राफी की सब सिंह हो गई, तो जो भी आपके टॉपिक में सिलेबस है, सिलेबस में टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक पढ़े, उसके बाद उसका नोट्स बना ले, कंसाइज नोट्स बना ले हर टॉपिक से। अच्छा। और जो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा है उनसे रिलेट करें कि आपका नोट्स कितना बेनिफिशियल है, कितना रिलेटेड है उस चीज से,
इन सब चीजों को ध्यान देते हुए आप सबसे ज्यादा है प्रीवियस ईयर का डीप अंडरस्टैंडिंग, वो सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्लस आपको एक ब्रॉड मैप तैयार करने में कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इन सब चीजों के लिए बहुत बेनिफिट देता है। और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको जिस भी बुक में मिल रहा है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो बुक था वो मैंने बता दिया, आपके हिसाब से जो बुक आपको लग रहा है उससे आप पढ़िए और अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उस नोट्स के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। सो मैं सदा ये देख रहा हूँ कि आप बार बार फोकस आपका उस तरफ है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तो क्या प्रीवियस मतलब एक साल पुराने, दो साल पुराने या तीन चार साल पुराने सारे हमें क्वेश्चंस देखने चाहिए? सर ऑप्शनल के लिए तो आप कम से कम 5 साल पुराने क्वेश्चंस को देखिए, 5 साल हाँ। क्योंकि सर 63rd से हमारा सिलेबस चेंज हो गया, ओके सिलेबस और सर ट्रेंड भी चेंज हो गया, पैटर्न भी चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से प्लस आप उससे भी पीछे जाते हैं तो आप क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, बस सेक्शंस चेंज हुआ है, मीन सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले सर दो पेपर होता था, पेपर वन और पेपर टू ऑप्शनल में, दो ऑप्शनल भी होते थे। अब क्या हुआ कि अब एक ही ऑप्शनल है और एक ही पेपर में हमारा दोनों सेक्शन को समराइज कर दिया गया है, दो सेक्शन में डिवाइड करके, तो इस तरह से मजलिस हुआ, तो उन सब चीजों का ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अच्छा अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जनरल स्टडीज के लिए कैसी प्रिपरेशन की थी सदा, क्या क्या पढ़ा था आपने? यस सर, हाँ जनरल स्टडीज पेपर वन में पहला पार्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर। कल्चर सर बिहार के कल्चर से ही आता है, तीन चार टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक आता है। अच्छा तो अच्छा अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर कितना, न्यूज़पेपर जो होती है वो कितनी अहमियत रखती है एज ए करंट अफेयर्स? हाँ करंट अफेयर के लिए सर मैंने विजन आईएएस का बुकलेट, जैसे कि मेन सर नवंबर में है तो जनवरी टू लेकर सितंबर तक, जनवरी टू सितंबर मैंने सारे नोट्स में से जो भी सिलेबस में है मेरे टॉपिक और प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा हुआ है उससे मैं अपना पांच लाइन छह लाइन का मैं प्रिपेयर कर ली थी कि ताकि अगर कोई भी टॉपिक से आता है तो मैं इजिली उसको हैंडल कर सकूं करंट अफेयर और आईआर के लिए। और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए सर एमबीए की एक बुक थी अरिहंत की, उससे मैं जो भी मेरे सिलेबस में है, हाँ लाइन लाइन ग्राफ बार ग्राफ और पाई चार्ट, इसको मैं प्रैक्टिस अच्छे से कर ली थी उस बुक से जो मेरे टॉपिक में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने काफी कुछ बता दिया है कि कौन सी बुक और कौन से मटेरियल यूज करने चाहिए। मैं अब ये जानना चाहता हूँ सदफ कि अगर आप बीपीएससी नहीं निकाल पाते या फिर बीपीएससी आपका मकसद नहीं होता तो फिर अल्टरनेट क्या ऑप्शन था आपका एज ए करियर प्रोस्पेक्टिव, मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, सर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि बीपीएससी नहीं होगा, बट इन केस अगर नहीं होता, हाँ क्योंकि सर मेरे घर में ऑलरेडी मतलब मेरे चाचा मामा मेरी मौसी ये सभी लोग दो दो बार इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो वो लोग बताते रहते थे कि कोई चूक ना हो जाए कि तुम्हारा ना हो, तो उन लोगों का गाइडेंस बहुत ज्यादा रहता था, प्लस मेरी मम्मी इतनी एजुकेटेड हैं तो सबका सपोर्ट था, तो मुझे लगता था कि बीपीएससी हो जाएगा। तो ये था बाकी मतलब सदा ये बहुत ही फॉर्चुनेट आपके लिए रहा, प्लस पॉइंट की गाइडेंस की कमी नहीं रही, गाइडेंस की कमी नहीं रही कैसे तैयारी करनी है। और जहां तक ऑप्शनल की बात करें तो घर में ही टीचर थे, मम्मी थी आपकी, ज्योग्राफी आपने पढ़ाया, तो एक कलेक्टिव एफर्ट्स थी आपको कामयाब सक्सेस बनाने के लिए और उसका भरपूर फायदा आपने उठाया। यस सर, सर मेरा रिजल्ट उस दिन आया है जब मेरी मिस पहले वाली जो मुझे पोस्ट मिली है रेवेन्यू ऑफिसर 64th में, हाँ उसका सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करके बाहर निकल रही थी तो मैसेज फ्लैश होता है मेरे मोबाइल में कि 65th का रिजल्ट आ गया है। तो मैं सर बहुत शिवर करने लगी, फिर मेरे भाई था मेरे साथ तो बोला कि अरे घर चल के देखते हैं जो होगा, फिर मैं नर्वस थी, मैं बोली कि अरे नहीं मैं इस बार अच्छा की हूँ, तो बोला कि अरे तुम घर चल के देखना जो भी होगा। हाँ तो फिर भी मैं सर देख ली और जब मैं देखी तो मतलब
मैं एकदम शॉक थी, फिर मैं अपना रोल नंबर चेक की कि कहीं मेरा ही गलत तो नहीं है, सदफ आलम कोई और तो नहीं है, इंश्योर करने के लिए। लेकिन सर हाँ मेरा ही नाम था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन एसडीएम में हो। वाह वाह, ये क्योंकि मुझे जॉब, मेरा यही एम था सर कि एट द एज ऑफ 25 मुझे कोई जॉब मिल जाए। ओके, तो हाँ वो मेरा हो गया सर, ड्रीम कम ट्रू। मतलब हमें लग रहा बहुत कम उम्र आपका है और अच्छे, मतलब इस उम्र में आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप यूपीएससी के लिए भी करें कोशिश, क्योंकि आपका सर, तो अब हाँ सर, तो अब यही है सर कि जो आफ्टर ज्वाइनिंग थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाने के बाद कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दूंगी। बहुत बढ़िया, एक बैकअप तो आपको मिल गया है, अब एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकती हैं, ये एक प्लस पॉइंट आप में रहा है। तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही सदफ, और एक फॉर्चुनेट था जैसे मैंने बताया कि गाइडेंस की कमी नहीं रही, और आप खुद दिखने में लग रही हैं इंटेलिजेंट, और मुझे पता है आपने किस तरह तैयारी की और सारी चीज़ आपने खुद बताई है। हमारी तरफ से फिर से एक बार आपको सदफ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आगे और भी तरक्की कीजिए, जो आप सोच रही मन जहन में आपके है उसको पूरा करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और YouTube मीडिया चैनल और हमारी तरफ से किसी तरह की भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो तो हमारा चैनल, हमारी टीम आपके लिए तैयार है, किसी भी तरह की सपोर्ट अगर चाहिए। थैंक यू वेरी मच सदफ ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच सर, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट कमिंग जर्नी। और आप बिहार राज्य की मतलब SDM बन गई हैं, और हमें उम्मीद है आप अपनी सर्विसेज देंगी, अपने समाज, गाँव और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।